हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं आपका। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से मिलकर बनती है। और आपकी जो सेकंड चैप्टर है ये आपका बहुत ही हेल्पफुल है आगे के चैप्टर्स के लिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। नाम क्या आपका? पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल का मतलब क्या है? जैसे आप पहले से ही पता है पैरेलल क्या होता है, जो दो लाइनें कभी मीट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, ऑलवेज क्या रहे, इक्वी डिस्टेंस, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल। ओके, तो आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस मतलब कि दो ऐसे फोर्सेस कभी भी मीट ना करें, दो पैरेलल लाइन के अलोंग लग रहे हो, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू पैरेलल फोर्सेस आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर आपके पास दो पैरेलल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो देन दे आर कॉल्ड पैरेलल, एंड अगर दे आर एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, तो पैरेलल और अब हम पहले सीखते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल फोर्सेस के अलोंग क्या होता है। तो पैरेलल रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या जानते हो आप? कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ठोस बॉडी, ठीक है। तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो दोनों पैरेलल है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक है, लेट मैंने ले लिया पी और क्यू। आपके पास दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, पी आपका ग्रेटर है किससे? क्या उसे, एक्टिंग एट ए पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी, मेरे पास मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो पी है, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या हुआ? देखो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, क्योंकि मैंने लाइक पैरेलल फोर्सेस लिया है, ठीक है, और दोनों ए और बी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है ए बी। द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज ए बी। इसका जो रिजल्टेंट है ए और बी, वो आपके पास क्या रहेगा? पी और क्यू रहेगा, एक्टिंग अलोंग द पॉइंट सी के ऊपर, ओके, पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी एंड क्यू। जब आपके पास दोनों फोर्सेस क्या हों, पैरेलल हो, लाइक हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आपके पास सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो आपके फोर्सेस एक्ट करते हैं। ओके, देखिए फिर से सुन लीजिएगा। आपके पास पी ग्रेटर है किससे? क्या उसे, दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और वो फोर्सेस उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम डायरेक्शन में, जैसे पी और क्या की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपके पास उनका रिजल्टेंट एक्ट करेगा, वो आपके पॉइंट सी पे, ठीक है। और सी जो पॉइंट है वो आपकी रिजिड बॉडी का दोनों एंड पॉइंट जो है ए और बी उनके बीच का होगा, ठीक है। ए और बी का क्या होगा? बीच का। तो देखिए कैसे हम, मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे उन सी पॉइंट की हम पोजिशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए ये जो फोर्सेज थे पी और क्यू, हमने पी के साथ एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट चैप्टर में हम करते आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। तो ऐसे ही हमने पी को लेके यहाँ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, क्यू को लेके यहाँ पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। ओके, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में एक डायगनल जो है वो आपका कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में उसको क्या करता है? डिवाइड करता है, राइट। तो हमने ले लिया कि आपके पास पैरेललोग्राम बना लिया, एच इसका डायगनल और बी जी इसका डायगनल। तो मैंने क्या लिया, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर दिखाया, सिमिलर को पता है ना, दो ट्राइंगल या दो ऑब्जेक्ट सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी दोनों की सेप क्या हो, एक जैसी हो। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिमिलर दिखाने के लिए उनके दो एंगल को क्या दिखा सकते हैं? इक्वल। देन वी कैन सी दैट दे आर सिमिलर। ओके, तो मैंने सिमिलर दिखाया, मैंने इन दोनों को लिया ट्राइंगल ओ सी ए ट्राइंगल, इसमें जो कंपोनेंट्स लेते हैं उनका कॉरेस्पोंडेंस में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओ सी ए और ए ई एच, ओके, सिमिलर है बाय किससे? ए से। ये हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया, और ये वाला जो एंगल है वो हमारा क्या है? देखो ए सी ओ
ठीक है, ये आपका क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, क्योंकि आपने पैरेलल लाइन डाकी ना, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो हम क्या लेते हैं, सेम लेते हैं। तो आपने लिया, हमने लिया यहाँ से सी ए, सी ए अपॉन में ओ सी, और ए ई अपॉन में ई एच, ओके, ए ई अपॉन में, देखो ये ऐसे होता है कि आपके पास ओ सी ए अपॉन में ई एच और ओ सी अपॉन में ए ई, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो आप, मैंने इसके लिए बिहाफ में लिया एस, तो एस ले लिया, और ये मेरे पास क्या था, ई एच क्या था, पी लिया, तो एस बाई क्या ले लिया मैंने, पी ले लिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने इधर से क्या लिया, दूसरे ट्राइंगल को, दूसरी तरफ जो बी की तरफ था उसको लिया, तो वहाँ से मेरे पास क्या आया, एस बाई क्यू, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सी बी और एस सी ओ सी दोनों एक एक साइड इक्वल है, तो मैंने अदर साइड को इक्वल रख दिया। जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ए सी अपॉन में क्या आ गया, सी बी, तो क्या आया हमारे पास, क्या हुआ भाई, पी आया। तो एक बस जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, पी इंटू में ए सी इक्वल्स टू क्या हो इंटू में सी बी। तो अगर आपके पास पैरेलल लाइक फोर्सेस हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पी टाइम्स ऑफ ए सी और इक्वल्स टू क्या हो टाइम्स ऑफ सी बी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम, इफ़ थ्री पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके, ईच ऑफ ईच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू, ठीक है, दो अदर, उसमें कि आपके पास तीन दो फोर्सेस दे रखे हैं लेमी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो किस टाइप से वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपके पास यहाँ पे दो केस बनते हैं, केस क्या, कौन कौन सा बनता है, एक तो पहला वहन, टू फोर्सेस आर लाइक, और दूसरा आपके पास फोर्स बनेगा वैन टू फोर्सेस आर अनलाइक, ठीक है। तो आपके पास जब दो फोर्सेस लाइक हों तो उस केस में हम क्या लेंगे, मैं ये आपको बता देती हूँ, पी क्यू आर बी द थ्री पैरेलल फोर्सेस। अभी आपने पी क्यू दो फोर्सेस थे, उनका जो रिजल्टेंट था वो हमने उसी के डायरेक्शन में लिया था, तो वो भी हमारे पास पैरेलल था, तो पैरेलल फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और पी आर क्या हुआ, आपके पास क्या मान रखे हैं, आपने लाइक फोर्सेस मान रखे हैं, तो आर इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। आर जो है वो हमारा इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा किसके, रिजल्टेंट ऑफ पी और क्या होगी। आर जो है हमने जानबूझ के आर एक फोर्स माना है जो कि हम दिखाने वाले हैं, जो कि हम कंसिडर करेंगे अब, मानने वाले हैं कि आर जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपका रिजल्टेंट की डायरेक्शन और के अपोजिट डायरेक्शन में है, और आर के इक्वल है उसका मैग्नीट्यूड, ओके। आर एक्ट एट ए पॉइंट सी इन ए बी पर, तो आपको क्या प्रूव करना है, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, एंड दूसरी कंडीशन पी इंटू में ए सी इक्वल टू क्यू इंटू में सी बी, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया, कंडीशन दे रखी थी ना मेरी, कंडीशन में क्या था, पी इंटू में ए सी और क्यू इंटू में सी बी, ठीक है। तो मैंने दो पैरेलल फोर्सेस लिए, एक तो ए के ऊपर एक्ट कर रहा है, दूसरा बी पे एक्ट कर रहा है, ये मेरा क्यू पी ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया क्यू, और ये इनका रिजल्टेंट, ठीक है। आर मैंने तीसरा फोर्स माना था जो पैरेलल था, लेकिन लाइक फोर्सेस की जो डायरेक्शन थी उससे डिफरेंट था, ओके, और उसके अलोंग मैंने दोनों का रिजल्टेंट ले लिया पी प्लस में क्यू। ये मैं दिखाऊंगी पी प्लस क्यू, वैसे मैंने आर वैसे ही लिया है, आर को मैंने माना नहीं है कि पी इन दोनों का रिजल्टेंट है, लेकिन मैंने वैसे ही कंसिडर किया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मैंने यहाँ से ये मान लिया कि पी इंटू में ए सी इक्वल्स टू क्यू इंटू में सी बी, ठीक है। तो आपने लिया पी अपॉन में सी बी और क्यू अपॉन में ए सी, मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो पी प्लस क्यू अपॉन में ए सी प्लस में सी बी, ये भी प्रोपोर्शनल होगा। तो पी प्लस क्यू को अगर लिखती हूँ तो मेरे पास क्या बन रही है, आर के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, और ए सी प्लस सी बी को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आपका ए बी बन जाएगा, ओके। अब देखिए दूसरे, तो आपके पास देखिए आप रिजल्ट कैसे यूज करोगे, पी अपॉन में सी बी, पी अपॉन में सी बी और क्यू अपॉन में ए सी और आर अपॉन में ए बी, ठीक है। जब आपके फोर्सेस क्या हों, लाइक हों, ठीक है, पैरेलल हों, तो
हम कैसे इसका रिजल्ट को यूज करेंगे, पी अपॉन में सी बी, क्या वो अपॉन में ए सी एंड आर अपॉन में ए बी. ओके, व्हेन टू फोर्सेस आर अनलाइक, जब दो फोर्सेस अनलाइक हो, पी क्या वो आर, आपने थ्री पैरेलल फोर्सेस ले लिए, विच आर इन इक्विलिब्रियम, आपके पी और क्या वो क्या है अनलाइक, तो देखिए अनलाइक है, देन पी की डायरेक्शन ये ले ली और क्या की डायरेक्शन वो ले ली. ओके, मेरा ए जो है, पी जो है वो ए पे एक्ट कर रहा है, क्या वो है किस पे, बी पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, और मैंने आर जो है इक्वल ले लिया एंड अपोजिट इनके डायरेक्शन में. बेटा जैसे आप, हमने यहाँ पे पहले माना कि पी जो है वो हमारा क्या उससे बड़ा है, तो पी क्या उससे बड़ा है तो जो फोर्स बड़ा होगा उसी की तरफ हमारा रिजल्टेंट होगा. ठीक है, अगर हम क्या लेते बड़ा किससे, पी से, तो हमारा पी की तरफ क्या की तरफ रिजल्टेंट होगा. लेकिन अब हमारे पास, हमने कंसिडर किया कि पी ग्रेटर है किससे क्या उसे, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो क्या की तरफ, पी की तरफ होगा. सॉरी, तो मैंने पी क्या आर थ्री पैरेलल फोर्सेस ले लिए. ठीक है, इक्विलिब्रियम है, पी और क्या अनलाइक फोर्सेस है, आर मेरा इक्वल है, अपोजिट है किसके, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्या के. आर मेरा ऐड करता है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे. देखो हमारे पास यहाँ पे लाइक फोर्सेस थे, तो रिजल्टेंट जो था वो ए बी जो पॉइंट था उन्हीं के बीच में था. लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक फोर्सेस हैं तो जो फोर्स बड़ा होगा हमारा जो रिजल्टेंट है उसी की तरफ होगा. ओके, आर हमने पहले पॉइंट में ले लिया कि आर इक्वल्स टू पी माइनस का क्या हो. ओके, और पी इंटू में सी ए इंटू में क्या हो इंटू में सी बी, हमारा पीछे वाला रिजल्ट है, हम इसी को लेके इसको प्रूव करेंगे. ओके, तो पी इंटू में सी ए अपॉन इक्वल्स टू क्या हो इंटू में सी बी. ठीक है, तो पी बाय सी बी और क्या हो अपॉन में सी ए आपका. ठीक है, वही चीज़ लगाया एक बार, अगर इन दोनों को डिफरेंस करती हूँ तब भी वही रेशियो रहेगा. तो पी माइनस का क्या होगा, क्या लिख सकती हूँ मैंने यहाँ पे, क्या लिया आर, और सी बी माइनस का सी ए, तो मेरा ए बी बन गया. तो इनके बीच में भी वही रिजल्ट होगा. देखिए यहाँ पे जो फोर्सेस आपके पैरलर हो या सॉरी लाइक हो या अनलाइक हो, ये जो रिलेशन है वो दोनों का सेम रहेगा कि पी अपॉन में सी बी, पी अपॉन में सी बी, क्या वो अपॉन में ए सी, और पी अपॉन में आर अपॉन में दोनों का ए बी. ठीक है, ओके, थैंक्स.